नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो ITBP में 10वीं पास की वैकेंसी निकली है उसमें आपका पहले फिजिकल करवाया जाएगा या पहले आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, ITBP में वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने इसका आवेदन नहीं किया है, इसका फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ये केवल 10वीं पास 10th पास की वैकेंसी है और यहाँ पर कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो आपकी जो है 10 सितंबर है। तो 10 सितंबर से पहले पहले आप इसके फॉर्म को भर दीजिए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद कुछ टाइम बाद, लगभग एक महीने बाद, आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो ऑनलाइन ही आएगा, आपका एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। तो मैं आपको बता दूं इसके फिजिकल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले फेज़ में आपका होगा PET यानी कि फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट। इसमें जो है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और इसमें आपसे क्या है, पहले हाइट, वेट और चेस्ट होगी, उसके बाद आपकी रनिंग होगी और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले रनिंग के बारे में। तो दोस्तों, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, 7.5 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा। तो 1600 मीटर रनिंग 7.5 मिनट के अंदर सभी लड़कों को लगानी होगी। उसके बाद उनको 11 फीट की लॉन्ग जंप, लंबी कूद लगानी होगी 11 फीट की। इसको पार करने के लिए आपको 3 मौके मिलेंगे, 3 चांस के अंदर ही आपको इसको पार करना है। उसके बाद आपको 3.5 फीट की ऊंची कूद यानी कि हाई जंप लगानी होगी, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस के अंदर आपको ये लगाना है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं फीमेल की। जितनी भी महिलाएं हैं उनको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी, इसके लिए उनको 4:45 का टाइम दिया जाएगा। तो 4.5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद 9 फीट की लंबी कूद आपको लगानी होगी, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे और 3 फीट की आपको हाई जंप यानी कि ऊंची कूद आपको लगानी होगी, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये है फीमेल कैंडिडेट का। दोस्तों, जो इसकी रनिंग को पास कर लेगा, इसके हाई जंप लॉन्ग जंप को पास कर लेगा, उसके बाद उसका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, चेस्ट और आपका वेट मेजरमेंट होगा। ये तीनों चीज़ें आपकी मेज़र की जाएंगी, तीनों चीज़ें नापी जाएंगी। तो यहाँ पर जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जितनी भी फीमेल हैं उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट की मापी जाएगी, जो कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद बात करें वेट की, तो आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और आपकी एज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद जो इसको पास कर लेगा उसके बाद उसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, जैसे 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, अपना आधार कार्ड और अपने जो है जितने भी ओरिजिनल हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी आपको फिजिकल वाले दिन लेकर जाने हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल के बाद जो बच्चा फिजिकल को पास कर लेगा उसके बाद उसका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको बीच में लगभग 20 से एक महीना मिलेगा, 20 दिन से एक महीना आपको दिया जाएगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर के एग्ज़ाम में यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो अलग अलग है सभी का। यहाँ पर हेड कांस्टेबल का अलग है और कांस्टेबल का अलग है। तो कांस्टेबल का मैं आपको बता देता हूँ, कांस्टेबल में GK के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के,
रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, उसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहने वाला है आपका यहाँ पर सिलेबस, और दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलती रहेंगी, जो भी होगा इसकी वेबसाइट पर ये अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, इसमें पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सभी चीज़ें रहने वाली हैं। तो इससे जुड़ा कोई सवाल या डाउट रह गया है तो आप कमेंट में लिख देना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।